तो वेलकम टू क्रेग जीके ट्रिक्स। क्रेग जीके ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्रेग जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारीख है 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर से बनने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हर क्वेश्चन के साथ बताता हुआ चलूंगा। उस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, तो उसके आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। अगर आंसर आपको नहीं पता है तो दूसरों के आंसर आप देख करके आंसर टाइप कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे और दूसरों के आंसर देख करके आप टाइप करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। क्या पता किस्मत से एग्जाम में वही आपके आ जाए, तो आपके तो नंबर आ गए ना भैया। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो, इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्रेग जीके ट्रिक्स पे शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माधवी दीवान को। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वकील माधवी दीवान को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि माधवी दीवान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। अगर ये तीसरी है तो फिर पहली महिला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन थी? तो फिर आंसर होगा इंदिरा जयसिंह। तो आपको पता है वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? अगर आप डेली ईमानदारी से करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये अभी अक्टूबर में ही बने थे। आंसर है तुषार मेहता। देखो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। क्या आपको पता है? तो सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये अलग अलग मामलों में, विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। अच्छा, अगर ये आप का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि पहला कौन है? तो फिर आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, लेकिन हमारा प्रश्न में क्या है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि आपका तीसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, या फिर यूं कह दो ये आपके सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करता है। तो आपको इस प्रश्न में केवल याद रखना है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौन बन गई है? माधवी दीवान का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो की स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप वीडियो को डेस्कटॉप या लैपटॉप में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये गोल सा बटन दिख रहा है आपको सेटिंग का, और अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो शेयर दिख रहा है यहीं पे तीन डॉट आते हैं, वो सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं स्पीड को स्लो, पहले आपको देख लें नॉर्मली जो वीडियो का स्पीड होता है वो कैसा होता है। ये हमारा दिसंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो मैं आपको बताता हूँ। गंगा नदी के कायाकल्प कार्यों के लिए तीन सदस्य कमेटी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूसी ध्यानी को। तो सबसे पहले एनजीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब ये स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है तो फिर आप सेटिंग पे जाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यहाँ पे स्पीड है, ये नॉर्मल है, इससे कम करता हूँ मैं। अब देखना, सफाई पर नजर रखने के लिए तीन सदस्य कमेटी जो बनाई गई थी उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे स्पीड कम हो गई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। वैसे हो सकता है आप लोगों को बताओ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदय शंकर को। तो अभी हाल ही में उदय शंकर को 2018-19 के लिए फिक्की का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब फिक्की आया है तो फिक्की की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अच्छा, ये उदय शंकर कौन है भाई? तो 21st सेंचुरी फॉक्स एशिया एंड स्टार इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष हैं ये। और अभी उदय शंकर को हाल ही में यानी कि 13 दिसंबर 2018 को स्टार एंड डिज्नी इंडिया का अध्यक्ष और वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के एशिया प्रशांत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आपको इस प्रश्न से याद क्या रखना है, फिक्की के उपाध्यक्ष कौन बने? उदय शंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में टाइमलेस लक्ष्मण नामक बुक को किसने लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को यानी कि कल ही के दिन टाइमलेस लक्ष्मण को लॉन्च किया है। अच्छा, आपको बता दूं ये पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण जो है मशहूर कार्टूनिस्ट, आपने नाम सुना होगा आरके लक्ष्मण जी का, उन्हीं पर आधारित है। आपको बताऊं आरके लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी कॉलम द कॉमन मैन और अपने दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट के लिए जाने जाते थे। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, टाइमलेस लक्ष्मण नामक जो बुक है उसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी WEF की, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, या भारत कितने स्थान पर रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 108 स्थान रहा है भारत का। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है
दुनिया भर में महिला और पुरुषों को आर्थिक तौर पर बराबर आने में 202 साल लग जाएंगे। अब इतना गैप क्यों? 202 साल तो बहुत होते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले एक साल में महिला और पुरुष समानता की स्थिति में 0.1% से भी कम उनको सुधार देखने को मिला है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनको बराबर आने में आर्थिक तौर पे से मतलब आप समझे, वेतन के तौर पे, जैसे मैं काम कर रहा हूँ और एक महिला काम कर रही है, तो हमारे जो वेतन है, जो मजदूरी है, उसमें बहुत डिफरेंस है, तो उनको बराबर आने में 202 साल लग जाएंगे। तो अच्छा, इस रिपोर्ट में भारत 66.5% स्कोर के साथ 108वें स्थान पे रहा है, और टोटल कितने देशों में से, तो 149 देशों में से। अच्छा, हमारा भारत तो 108वें स्थान पे है, हम बात करेंगे इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है आइसलैंड ने। कितने स्कोर के साथ? 85.8% स्कोर के साथ आइसलैंड ने इस सूची को टॉप किया है। और एशिया में बात करेंगे तो केवल फिलीपींस ही है जो टॉप 10 में है। अब बात हुई है, रिपोर्ट किसने जारी की है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 को, हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड, और चेयरमैन कौन है? क्लाउस स्क्वेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो अभी हाल ही में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इस फिल्म में है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। भारत में महिलाओं के मासिक धर्म पर और पैडमैन नाम से प्रसिद्ध अरुणाचलम मुरुगनंतम के काम पर आधारित है यह फिल्म। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की फिल्म विलेज रॉकस्टार ऑस्कर की दौर से बाहर हो गई है। और किस कौन सी फिल्म शॉर्टलिस्ट हो गई है भारतीय में बात नहीं करेंगे तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। तो अभी हाल ही में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में प्रवासियों के प्रयासों, योगदानों और अधिकारों को पहचानना है। अच्छा, इस बार की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, क्या है? माइग्रेशन विद डिग्निटी। अब आ गया इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन, और जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है, आपको बताया हम क्या करते हैं, उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को जो अभी तक निकल चुके हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ बोलना है? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, और उसी दिन हमने मनाया BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस। और जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे की, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ उसकी थीम बोलने को, तो थीम क्या है? नो योर स्टेटस। 2 दिसंबर को हमने मनाया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और उसी दिन नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे, और उसी दिन हमने मनाया क्या? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। और वर्ल्ड सॉयल डे की थीम भी मैं आपको बुलवाता हूँ, क्या होती है? बी द सॉयल टू सॉयल पॉल्यूशन। उसके बाद 7 दिसंबर को हमने क्या मनाया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। और उसी दिन 7 दिसंबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने मनाया पनडुब्बी दिवस, सबमरीन डे। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे, और 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मनाया? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। और उसकी थीम भी मैं आप लोगों से बुलवाता हूँ, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। उसके बाद 11 दिसंबर आया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया, और उसकी थीम क्या थी? माउंटेन्स मैटर। 12 दिसंबर को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। उसके बाद 14 दिसंबर आया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया। उसके बाद 16 दिसंबर याद आया, विजय दिवस के रूप में। और अब 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो इस तरह से आप रेगुलर अगर हमारे साथ पढ़ोगे, रेगुलर हमारे साथ रिवाइज करोगे, तो आपको डे में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और इंपॉर्टेंट डे की तो हम थीम भी रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक जरूर करा करो। लाइक करने के बाद आपका कोई भी स्टडी ग्रुप हो गया, कोई भी फ्रेंड हो गया, FB, व्हाट्सअप, इंस्टा, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, उसे शेयर जरूर कर दिया करो, यही मेरी मेहनत का फल होगा। बस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेसिल बी डिमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेफ ब्रिजेस को। तो अभी हाल ही में अनुभवी अभिनेता जेफ ब्रिजेस को 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सेसिल बी डिमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सेसिल बी डिमिल पुरस्कार सालाना उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मनोरंजन की दुनिया पर स्थायी प्रभाव डाला है। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है? जेफ ब्रिजेस का नाम जिसे मिला है सेसिल बी डिमिल पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीत महासम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों को, यानी कि शान और अरिजीत सिंह को। तो अभी हाल ही में गायक शान और अरिजीत सिंह को संगीत महासम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, तो अब इन्हें ये सम्मान कहाँ मिला है और किसने दिया है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कोलकाता में आयोजित बंगाल संगीत और लोक संस्कृति त्योहार के उद्घाटन सत्र में
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो आपको याद रखने इन दोनों के नाम। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसी रामसे का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर थे ये। तो अभी हाल ही में फिल्म निर्माता तुलसी रामसे का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपने बचपन में कुछ हॉरर मूवीज, उस समय की वो हॉरर मूवीज हुआ करती थी, वो देखी या सुनी होगी, जैसे कि वीराना, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे तो नाम सुना ही होगा, होटल, पुराना मंदिर तो सुना ही होगा, और एक शो भी आता था डी हॉरर शो। सबसे पुराना, सबसे पहला मेरे ख्याल से हॉरर वही था, उस जमाने का हॉरर, अभी का तो आप जानते ही हो। तो इन सभी की जो डायरेक्टर है, इनको निर्देशित किया था तुलसी रामसे ने, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमको नाम याद रखना है इनका और किस फील्ड से जुड़े हुए थे ये भी याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी गॉड ऑफ सिन द कल्ट क्लाउट एंड डाउनफॉल ऑफ आशाराम बापू नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, युशिन और मजूमदार के द्वारा। तो अभी हाल ही में 16 दिसंबर को इस किताब पर चंडीगढ़ की एक अदालत की रोक से इनकार करने के बाद इसे जारी कर दिया गया है। तो आपको इस प्रश्न से याद क्या रखना है कि गॉड ऑफ सिन द कल्ट क्लाउट एंड डाउनफॉल ऑफ आशाराम बापू को लिखा है युशिनेर मजूमदार ने, और इसे प्रकाशित किसने किया है? तो बुक पेंगुइन रैंडम ने। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समझौते के अनुसार भारत मालदीव को कितने डॉलर की आर्थिक मदद देगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1.4 बिलियन डॉलर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है। एक्चुअल में हुआ क्या, मालदीव ने चीन से 3 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है, लेकिन अब वो चीन से और लोन या पैसा नहीं लेना चाहता, तो उसने भारत की ओर हाथ बढ़ाए हैं। अब भारत मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर देगा, तो मालदीव को आप मैप में देखिए, ये रहा यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये है मालदीव। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुफिया है, रुफिया। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिया, ये इसी साल बने थे। तो करेंसी और प्रेसिडेंट तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, मालदीवियन रुफिया और इब्राहिम मोहम्मद सोलिया, तो इनको याद रखना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मामलों के मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो अभी हाल ही में डेनमार्क के विदेश मंत्री, अब इनका नाम क्या है, एंडर्स सैमुएलसन, भारत की 2 दिवसीय की यात्रा पर आए हुए थे। अच्छा, तो डेनमार्क के विदेश मंत्री आए हुए थे, तो डेनमार्क को आप मैप पे देखिए, ये रहा डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? डेनिश क्रॉन। तो आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 को। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै में और तेलंगाना के बीबी नगर में 2 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। ये जो एम्स है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। अब एम्स की बात हुई है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आपको इस प्रश्न से याद रखना है, 2 नए एम्स खुलेंगे तमिलनाडु और तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई इंडियंस का क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहीर खान को। तो अभी हाल ही में 18 दिसंबर को आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने भारतीय गेंदबाज जहीर खान को क्रिकेट संचालन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन के रूप में। तो इस बार 2019 में आईपीएल का 12वां सेशन खेला जाएगा। अच्छा, तो मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन इस बार रोहित शर्मा ही रहेंगे, जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस 5 खिताब जीत चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुभारंभ किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को महाराष्ट्र में करीब 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। याद रखना, उन्होंने वहां पे 2 मेट्रो के लिए आधारशिला भी रखी है, और तो और कमजोर वर्गों के लिए जन आवास योजना भी शुरू की है। अब ये सारी परियोजनाएं शुरू की गई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को आप मैप में देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर है सीवी राव। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। याद रखना, एलिफेंटा केव्स कहां पर है? धारापुरी महाराष्ट्र में, और अजंता व एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। जब मैं आपको आंध्र प्रदेश पढ़ाता हूं, तो मैं आपको ये वाली चीज बताता हूं, आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफाएं हैं, केव्स हैं, तो बोरा केव्स है। याद रखना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका महाराष्ट्र में ही है, और भारत का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन कमर्शियल ऑपरेशन में। अभी SBI क्लर्क 2016 में पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है? तो आंसर होगा मुंबई में है। और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी पुरस्कार भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत और गायन के क्षेत्र में। और अगर आपको पता हो 2018 का किसको दिया गया, प्रसिद्ध बांसुरी वादक केशव गिंडे को, इसमें 5 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं।
अच्छा, तो अब लास्ट वीडियो के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूपेश बघेल। हमारा अगला प्रश्न था, हाल ही में वायु अभ्यास शिनयू मित्री 2018 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, जापान। आप सभी लोगों ने, और बिल्कुल सभी के सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, और उससे अच्छी बात यह है सबने आंसर को लिख के दिया है। किसी ने भी, एक बंदे ने भी ABCD का यूज नहीं करा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे आज के वीडियो के क्विज के प्रश्नों की। उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हम डेली हर वीडियो में लास्ट में दो प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से एक प्रश्न होता है पिछले दिन की वीडियो का और एक प्रश्न होता है पिछले 30 दिन में से। मैं कहीं से भी रेंडमली एक पूछता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि साथ में हमें यह भी चेक करते हुए चलना है कहीं पिछला हम भूलते तो नहीं जा रहे। क्योंकि देखो, एग्जाम में आपके पिछले दिन का तो जस्ट आने वाला नहीं है, वो तो सबको पता होता है। एग्जाम में आपके 3-4 महीने का आएगा, हम तो फिर भी 30 दिनों का पीछे का चेक कर रहे हैं कि आपको कितना उसमें से आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आंसर देने के साथ साथ कोशिश करा करो डिटेल में आपको कितना उस चीज के बारे में याद है। नहीं याद को जोड़ दिया करो दिमाग में, ताकि आपको याद आए, और याद इस तरह से आएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं आज के क्विज के पहले प्रश्न की। हाल ही में सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुई है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक ब्लू वाटर्स अहोय का अनावरण किसने किया है? अनावरण मतलब रिलीज किसने किया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, यानी कि टाइप करने हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता हो तो वो भी आप लिखो। अगर आप लिखोगे, देखो जितना आप लिखोगे ना, उतना आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। अब ये फैसला आपके ऊपर है, चीजें आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो या फिर शॉर्ट टाइम के लिए ही याद रखना चाहते हो। देखो, मेहनत कर रहे हो तो पूरी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करके जरूर जाना। और डेली मैं आपसे कहता हूं, प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में, आपका जो भी स्टडी ग्रुप है, FB हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहां इसे शेयर जरूर कर दिया करो यार। शेयर करोगे कम से कम मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे हौसला मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप देख रहे हैं 100-200 व्यूज होते हैं, कुछ मजा नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आप समझें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।